पहाड़ों को बांद्रा से जोड़ने के लिए लालकुआं बांद्रा साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन शुरू की गई है। इस ट्रेन को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय रेलवे लंबी दूरी की कनेक्टिविटी को लेकर बेहतर बनाने के लिए नई नई ट्रेनों का संचालन कर रही है। इसी क्रम में कुमाऊं से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लालकुआं से बांद्रा टर्मिनल तक साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट और लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह वेस्ट, रेलवे मंडल की DRM रेखा यादव सहित कई गणमान्य लोग लालकुआं रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। मुंबई के लिए शुरुआत हुई है, एक हमारी रामनगर से चलती है बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को हमारी दूसरी ट्रेन काठगोदाम से हल्द्वानी से, और तीसरी ट्रेन आज सोमवार को चलेगी, यानी कि बृहस्पत शुक्र और सोमवार 3 दिन लगातार लोग जा सकते हैं। आवत जावत इसी तरह से वहां से आएंगे 3 दिन, तो यानी कि हफ्ते भर आवत जावत बनी रहेगी। जैसे 3 दिन आज गई फिर ये यहाँ लौटेंगी, वहां से भी आएंगी ना, तो पूरा हफ्ता पूरा होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं, जो मांग थी ये पूरी हो गई। यहाँ से बम्बई के लिए 2 और ट्रेनें भी चल रही थी, बट ये एक अलग रूप लेके जा रही है, ये दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा रही है, और इसका जो समय है वो बहुत ही बढ़िया है। 25 घंटे में ये आपको बॉम्बे पहुंचा दे रही है, और यहाँ से सुबह चल के ये दिल्ली आपको 1:30 बजे के लगभग पहुंचा दे रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो सुबह की गाड़ियों में दिल्ली की कनेक्टिविटी भी इससे बढ़ रही है। मुंबई जो है हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, तो वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग कारोबार के सिलसिले में जाते हैं। हमारे क्षेत्र में चूंकि ये अपना पूरा कुमाऊं से का प्रवेश द्वार है, बड़ी संख्या में विद्यार्थी से लेकर और हमारे जो नौकरी पेशा लोग हैं वो लोग आवागमन करते हैं, उन सबको सुविधा होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप जल्दी ही यहाँ पर जो है वंदे भारत ट्रेन का भी संचालन होने जा रहा है, और ये लालकुआ जैसा मैंने कहा कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, और यहाँ पर एक्सपेंशन की विस्तार की सबसे ज्यादा गुंजाइश है, तो उसको ध्यान में रखते हुए रेल विभाग और हमारी केंद्र सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।